तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएमए के मार्क्स के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि सर हम टीएमए के मार्क्स हमें कब तक मिलेंगे या हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, टीएमए के मार्क्स जो है आपके सभी बच्चों के डैशबोर्ड में शो करते हैं टीएमए स्टेटस के अंदर। वो ज़्यादातर बच्चे चेक ही कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ही आ रही है, काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक मार्क्स नहीं मिले हैं, काफ़ी सारे बच्चों को मिल भी चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे थ्रू टीएमए कराए थे तो उनको काफ़ी अच्छे भर के मार्क्स मिले हैं। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों को कब तक मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर क्या था, आपकी जो है टीएमए की डेट एक्सटेंड हो गई थी, टीएमए की डेट आपकी बढ़ गई थी, 29 फरवरी तक हो गई थी। वैसे जो टीएमए की डेट थी अप्रैल 2024 के लिए वो 31 जनवरी थी, लेकिन जब काफ़ी सारे बच्चों के टीएमए रह चुके थे तो उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, 29 फरवरी तक आपकी डेट वो बढ़ गई। उसके बाद जो एनएएस है वो स्टडी सेंटर वालों को टाइम देता है 15 दिन का। जैसा मान लो 29 फरवरी आपकी लास्ट डेट थी आपके टीएमए सबमिट करने की, उसके बाद 15 दिन का समय मिलता है स्टडी सेंटर वालों को, यानी कि 15 मार्च तक उनको सभी को अपने टीएमए के मार्क्स अपडेट करने थे। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी जगह ऐसा देखा गया अभी तक टीएमए के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो इसका आप अगर आपने टीएमए अपने सबमिट करे हैं तो आप एक बार वहां पर चेक कर लें टीएमए अलोकेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। अगर आपके टीएमए अलोकेट हो चुके हैं तो आपको डेफिनेटली मार्क्स जरूर मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है। तो ऐसा इसलिए काफी सेंटर पे हो रहा है क्योंकि काफी सारे सेंटर जो है बंद कर दिए गए थे, उन पर वहां पर जो है काफी पैसे लेने की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही थी। तो एनएस ने काफी सारे ऐसे सेंटरों को बंद कर दिया है, तो जो सेंटर बंद हो गए उन सेंटर के बच्चे दूसरी जगह उन्होंने फिर ट्रांसफर करे हैं। तो जहां पर ट्रांसफर करे हैं वहां पर ऑलरेडी पहले से ही बच्चे थे और एक्स्ट्रा बच्चे आ गए, इसलिए टाइम लग रहा है ऐसे सेंटरों पर। तो थोड़ा सा आप वेट करें, अगर आपके टीएमए अलोकेट वहां पर हो चुके हैं, बस मेन है कि आपके टीएमए अलोकेट होने चाहिए। टीएमए अलोकेट का मतलब यह है कि स्टडी सेंटर वालों ने आपके टीएमए रिसीव कर लिए हैं। अब टीएमए रिसीव करने के बाद वो फिर अलग अलग टीचर के पास जाते हैं, जैसे फिजिक्स वाला टीचर के पास फिजिक्स के आईडी खुलेगी, वो वहां पर फिजिक्स के टीएमए सारे बच्चों के चेक करेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के चेक करेगा, बायो वाला बायो के चेक करेगा। उसके बाद वो आपको आपके जैसे आपके टीएमए बने हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स वगैरह दे देंगे। तो आप वेट करें, रिजल्ट में आपके जो है टीएमए के मार्क्स सबके अपडेट आएंगे। वैसे अभी हमने पता करा है तो 15 अप्रैल तक ही आपके टीएमए के मार्क्स वगैरह सभी के अपडेट हो जाएंगे। तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके सभी के टीएमए के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किन बच्चों को टीएमए के मार्क्स मिल चुके हैं और किन को नहीं मिले हैं। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगले सेशन में तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।